हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, और किसी भी बाइनरी नंबर को ये डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता है। इससे पहले आपको एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि संडे को लाइव क्लासेस वाला सेशन शुरू हो रहा है और ये पूरे महीने भर चलेगा और डेली चलाऊंगा। संडे से डेली कोशिश करूंगा लाइव क्लास लेने की और टैली की लाइव क्लास चलेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्वाइन करिए टैली की लाइव क्लास को। और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा टैली आपको सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी टैली सिखा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है? तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। देखिए ये जो है छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, डेफ यानी कि डिफाइन किया है एक फंक्शन टू बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया बाइनरी, ठीक है। डेसिमल इज इक्वल टू जीरो दिया, पावर इसमें जीरो रखा, पावर नाम से बनाया जीरो रखा, और यहाँ वाइल लगाया हमने वाइल बाइनरी। और यहाँ पे लास्ट अब देख सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम आप देख लीजिए, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे दिया गया है और फिर यहाँ पर प्रिंट करवा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम इसको चलाएंगे तो इसे मैंने error.py के नाम से सेव किया है। तो जब हम चलाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटर अ बाइनरी नंबर। कोई भी एक बाइनरी नंबर हमें एंटर करना है, जैसे मान लीजिए 101 एंटर किया और जैसे ही एंटर किया तो ये इक्विवेलेंट है किस कितने के, 5 के। अब देखिए ये 5 के इक्विवेलेंट है। इसी प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं, यहाँ से चल के F5 प्रेस करते हैं और इस प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन करवा लेते हैं। तो ये देखिए अभी मैं 1001 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, 9 आया। देखिए ये एकदम बड़ा आसान है, कैसे देखिए मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये एकदम प्रोग्राम बिल्कुल सटीक बना हुआ है और ये कन्वर्ट करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे ये कन्वर्जन होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 9 आया हुआ है 1001 का, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1001 जो है ना ये 1 से स्टार्ट करना है, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये 1 है और इसका बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और पावर पहले 0 रहेगा। और ये भी याद रखिएगा किसी भी नंबर पर 0 का पावर का मतलब होता है 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये तो 0 है, अब पावर बढ़ेगा। देखिए पहले 0 था अब 2 पे पावर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तो 0 ही है तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा, इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, इस बार 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। और ये जब 2 होगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 टू दी पावर 2 का मतलब 4 और 4 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा सेकंड वाले में, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा, किसी भी नंबर पे 0 का पावर का मतलब होता है 1, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और यहाँ पर आते हैं, अब लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी इसका मतलब आएगा 8, क्या आएगा 8 आएगा, यानी 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 8, और 8 और 0 8 और फिर 0 जोड़िए फिर 8 और 1 जोड़ दीजिए 8 में, तो 8 प्लस 1 क्या होता है 9 होता है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको पूरा समझ में आया होगा कि ये आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ये यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। और आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया, और यहाँ पे दो बार जब इंटू लगाया जाता है ना तो इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। ये क्यों पावर होता है देखिए बताता हूँ क्यों होता है। यहाँ पे मैं पाइथन को दोबारा से ओपन करता हूँ, दिया दो बार लिखा और फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, 3 जा कितना होता है 9 और 3 जा 27, 9 3 जा कितना होता है 27, तो यहाँ 27 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, इंटू इंटू 2 करते हैं तो क्या आएगा इंटू इंटू 2, तो यहाँ 4 आएगा, तो देखिए 4 आ रहा है, 2 इंटू इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, सीधी सी बात है, आसान है, ठीक है ना। आई होप कि ये बाइनरी नंबर वाला प्रोग्राम आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।